इस वक्त आ रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एंजियोप्लास्टी हुई है जिसके बाद उन्हें सीसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। सीएम की एक आर्टरी में 90% ब्लॉकेज था। वरिष्ठ चिकित्सकों की निगरानी में एंजियोप्लास्टी की गई और मुख्यमंत्री को एक स्टंट लगाया गया है। इससे पहले आज तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां सुबह से ही उनके सीने में भारीपन और थकावट की शिकायत थी। वहीं एसएमएस के प्रिंसिपल सुधीर भंडारी ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर कहा कि अब मुख्यमंत्री को कोई दिक्कत नहीं है, वो 24 घंटे मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। इधर मुख्यमंत्री की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने ट्वीट कर सीएम गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व डिप्टी सीएम भी ट्वीट करके मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने भी ट्वीट कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने भी ट्वीट करके मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इसके अलावा सीएम ने ओएसडी यानी सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा ने भी ट्वीट करके सीएम के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। के हार्ट में मेन आर्टरी में प्रॉब्लम थी जो रिमूव हो चुकी है। 90% के लगभग मेन आर्टरी में उनके ब्लॉकेज थे मेन मुंह के ऊपर, तो वो अब बिल्कुल स्टंट डल गया और बिल्कुल पूरी तरह सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं और आराम से बात कर रहे हैं। टोटल से यही रहेंगे घर पर जी? अब देखिए, जो अभी तक की सूचना है उसके मुताबिक आज उनको यहाँ ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, बाकी डॉक्टरों को तय करना है। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी राजस्थान के लोगों की दुआओं से बिल्कुल स्वस्थ हैं और उनका जो एक स्टंट डलना था वो डल चुका है। प्रदेश के खुद के एसएमएस हॉस्पिटल में आए हैं और उन्होंने सारा प्रोसीजर एसएमएस हॉस्पिटल में करवाया है। सुबह आए तो कौन कौन सी जांचें हुई, क्या कुछ पाया? सीएम साहब को पिछले एक दो दिन से छाती में भारीपन थी और मेनली उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और प्रॉब्लम थी, लेकिन चूंकि वो पोस्ट कोविड फेज में थे तो हम लोग बहुत केयरफुल थे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई एटिपिकल कार्डियक इशू हो। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर, हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के साथ साथ आपका कार्डियक वर्कअप भी करना चाहेंगे। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, वो एक बहुत डेडिकेटेड और डिसिप्लिन्ड पेशेंट है, जो भी डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं वो कभी मना नहीं करते हैं। हमारी रिक्वेस्ट को उन्होंने माना और उन्होंने ये कहा कि आपको जो भी टेस्ट करने हैं मेरा एसएमएस में करें। तो वो हमारे साथ यहाँ आए, उनका यहाँ पे सीटी एनजीओ हुआ, उनको मालूम था कि एसएमएस में देश की सबसे एडवांस्ड लेटेस्ट सीटी एनजीओ मशीन है। और उसके बाद जैसे ही वो एक आर्टरी में उनका 90% ब्लॉक निकला तो हमने उनको सजेशन दिया कि सर, अब आपका एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी स्टंटिंग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा यू गो अहेड, आई हैव फुल फेथ इन टीम ऑफ एसएमएस, और हमने तुरंत उनको कार्डियक कैथ लैब में लिया, उनका स्टंटिंग किया एंड अब वो बिल्कुल स्वस्थ है, चेयरफुल है। आई थिंक ही इज एब्सोल्युटली लाइक बिफोर। एक आम आदमी की जैसे ज्यादा हेल्दी लग रहे हैं, एक आम आदमी की जैसे उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा के सीएम साहब का। हमने राजस्थान हेल्थ गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज के तहत रजिस्ट्रेशन किया, एक कॉमन नागरिक की तरह उनकी हमने एंजियोप्लास्टी की, स्टेंटिंग लगाया, एंजियोग्राफी की। वो बेसिकली एक कॉमन व्यक्ति की तरह हमने उनको आईसीयू में रखा है, बाकी आईसीयू में सारे नॉर्मल पेशेंट हैं, एक कैबिन के अंदर सीएम साहब हैं। तो हमको बहुत अच्छा लगता है उनकी सिंप्लिसिटी को देख के, उनकी सेंसिटिविटी को देख के, उनका डॉक्टर्स में फेथ देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। मेरा आखिरी सवाल, कब तक डिस्चार्ज होने की संभावना? नॉर्मली स्टेंट लगने के बाद पेशेंट को 12 से 24 घंटे में भेज दिया जाता है, बिकॉज वो बिल्कुल स्वस्थ है, तो जब वो जाना चाहेंगे हम भेज सकते हैं, उनको किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट नहीं। आपने निवेदन भी किया है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो लोगों का प्रेशर है, सजेशन है कि उनको 2-3 दिन यहाँ रखा जाए, क्योंकि अगर एक बार वो चले गए तो उनके चाहने वाले भावुक लोग और लोग इतना उनको ट्राई टू मीट करेंगे कि शायद उनको शायद रेस्ट नहीं मिल पाए, इसलिए। बाकी मेडिकली ही इज फिट टू गो टू हॉस्पिटल। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर सुधीर भंडारी थे, उनका ये कहना है कि जो अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उनके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार है, उनकी सभी जांचें कर ली गई हैं और अधिकतर जांचें उनकी नॉर्मल आई है। हालांकि 90% ब्लॉकेज आने के बाद उनकी एंजियोप्लास्टी की गई है, स्टंट डाला गया है। इसके साथ ही अगले 12 से 24 घंटों तक अब उनको डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा और उसके बाद संभावना जताई जा रही है कि उनको छुट्टी दे दी जाएगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो डॉक्टर्स की बात आपने सुनी, लेकिन ललित भी हमारे साथ लगातार जुड़ गए हैं एसएमएस के बाहर से इस वक्त लाइव। ललित, क्या कुछ अभी की अपडेट है मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर?
बिल्कुल संजय, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एंजियोप्लास्टी को हुए लगभग 5 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है और अब उनकी जो स्थिति है वह पहले से काफ़ी बेहतर बताई जा रही है। अब आने जाने वालों से उनकी मुलाकात हो रही है। अब से थोड़ी देर पहले एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत, उनके पुत्र वैभव गहलोत, उनकी पुत्र वधू और पोती वह भी अस्पताल में पहुँच चुके हैं और उनके पास में ही है। इसके साथ चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी थोड़ी देर पहले एक बार फिर से SMS अस्पताल पहुँच चुके हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है। अगर डॉक्टरों की बात की जाए तो डॉक्टरों ने एक बार फिर से उनका मेडिकल मुआयना किया है और उनकी स्थिति को काफ़ी बेहतर बताया है। अब वह सबसे बात भी कर रहे हैं, बोल रहे भी हैं, आने जाने वाले से मुलाकात भी कर रहे हैं। इसके साथ ही कुशलक्षेम पूछने वाले लगातार यहाँ पर जो अधिकारी हों, चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हों, इसके साथ ही कांग्रेस के पदाधिकारी हों, वह लगातार यहाँ पर उनका मिलने आने जाने का दौर चल रहा है, लेकिन डॉक्टर अभी भी उनसे ज़्यादा मुलाकात नहीं करने दे रहे हैं। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिक्विड डाइट पर ही रखा जा रहा है कि उनको अगले 24 घंटों तक लिक्विड डाइट ही दी जाएगी। इसके साथ ही अभी थोड़ी देर पहले जब वैभव गहलोत यहाँ पर उनके पुत्र आए थे तब हमने उनसे पूछा था कि अब स्वास्थ्य कैसा है, तो उन्होंने भी संतुष्टि जताई है कि अब उनके स्वास्थ्य में, मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य में काफ़ी बेहतर सुधार है। और दिन भर भी वह उनके साथ ही थे, जोधपुर से सुबह फ्लाइट से जयपुर पहुँचे थे और उसके बाद से ही वह अस्पताल थे, थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे, लेकिन एक बार फिर से अब पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और अब जो अस्पताल है, अस्पताल की अगर बात की जाए तो अस्पताल की माने, डॉक्टरों की माने तो उनको आज रात को यहीं अस्पताल में रखा जाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कल सुबह एक बार फिर से पूरी मुआयना होगा, चेकअप होंगे, उसके बाद जो उनका मेडिकल बुलेटिन है वह जारी किया जाएगा और मेडिकल बुलेटिन जारी होने के बाद ही उनको छुट्टी देनी है या फिर से देख रेख में रखना है डॉक्टरों की, इस पर फैसला लिया जाएगा। तो अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फिलहाल अस्पताल में ही रखा जाएगा, रात को डॉक्टरों की पूरी टीम है उसकी देखरेख में रखा जाएगा। सुबह जब अस्पताल आए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसके बाद उनके स्वास्थ्य में काफ़ी बेहतर सुधार बताया जा रहा था। अब सीने में दर्द भी की शिकायत है वह भी बहुत हद तक कम बताई जा रही है। एंजियोप्लास्टी होने के बाद जो सीने में दर्द हो रहा था, तेज़ दर्द हो रहा था, वह अब नहीं हो रहा है। जैसा कि हमारी बात हुई थी डॉक्टरों से तो उनका भी ये कहना था कि एंजियोप्लास्टी के बाद उनके सीने में दर्द की शिकायत भी अब अभी तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नहीं बताई है। इसके साथ ही उनको कंप्लीट रेस्ट बताया गया है। इसके साथ ही डॉक्टरों ने यह भी सलाह दी है कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यदि एक दो दिन यहाँ पर डॉक्टरों की टीम की देखरेख में रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि घर जाने पर लोगों के मुलाकात करने का सिलसिला बढ़ सकता है, ऐसे में उनको यहीं रखा जाए। इसके साथ ही आने वाले 15 से 20 दिनों तक उनको कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह डॉक्टरों द्वारा दी गई है। इस दौरान किसी से भी मुलाकात नहीं करने की सलाह भी डॉक्टरों ने दी है। तो ऐसे में लग रहा है कि जी बिल्कुल सही आपने कहा और उसी को लेकर इस वक्त आज कहा जा रहा है कि वो SMS में ही रहेंगे और डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे ताकि लोगों से कम मिले जुले, ऐसे में आराम उनको प्रॉपर जितना डॉक्टर्स की सलाह उतना मिल सके। धन्यवाद आपका इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, सूबे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। जयपुर के शिव शक्ति मंदिर में भगवान महादेव का अभिषेक और महामृत्युंजय जाप किया जा रहा। महामंडलेश्वर महंत पुरुषोत्तम भारती के सानिध्य में शुरू किए गए जप में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता तरुण भारती, संजू शर्मा, संजय पारासर सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है कि मुख्यमंत्री जल्द स्वस्थ हो जाएं। सूबे भर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। जयपुर के शिव शक्ति मंदिर में भगवान महादेव का अभिषेक और महामृत्युंजय जाप किया जा रहा है। हम लोग सभी यहाँ त्रिपोलिया बाजार स्थित शिव शक्ति हनुमान मंदिर में उनका शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिलने तथा पूर्णतः स्वस्थ होने की कामना के साथ में यहाँ शिव शक्ति हनुमान मंदिर में यहाँ भगवान भोलेनाथ का अभिषेक पंचामृत से कर रहे हैं तथा ये प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ उनको सदा स्वस्थ रखे तथा शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ दें। और खबर चूरू से, जहां पर जिला मुख्यालय के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वस्थ होने के चलते, यानी अस्वस्थ होने के चलते चिंता की लहर दौड़ गई और मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने विश्वकर्मा मंदिर में पूजा अर्चना की और सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मुख्यमंत्री के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भगवान श्री विश्वकर्मा जी के मंदिर में पूजा अर्चना कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करने के लिए यहाँ आए हैं। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि गरीबों के मसीहा गहलोत साहब को शीघ्र स्वस्थ करें ताकि वे राजस्थान की सेवा में जुटे रहें। प्रदेश के 6 जिलों के जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए